हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक सिंगल फेज़ सबमर्सिबल स्टार्टर का कनेक्शन करने वाले हैं। एंड दोस्तों, इसका जो पूरी की हुई वायरिंग होती है वो हम करने वाले हैं इस डायग्राम में। दोस्तों, इससे पहले मैंने और एक सबमर्सिबल स्टार्टर का दोस्तों कनेक्शन किया है। आप देख सकते हो इमेज में कुछ इस टाइप का होती है ये। तो इसका भी पूरी की वायरिंग मैंने डायग्राम और प्रैक्टिकली आपको समझाया है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। इसका जो रिले है दोस्तों कुछ इस टाइप का आती है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का रिले आती है, कॉन्टैक्टर रिले, इसका जो वायरिंग होती है वो करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए, आज मैं आपको पूरी वायरिंग डायग्राम के मदद से दिखाऊंगा और आप आसानी से इस टाइप का जो कॉन्टैक्टर रिले आती है दोस्तों, इसका वायरिंग कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको कुछ बेसिक यहाँ पे जो पार्ट्स मैंने ड्रॉ किया है उसकी बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये हमारा सिंगल फेज का है और इसमें जो कॉन्टैक्टर रिले, देखिए ये हमारा कॉन्टैक्टर रिले है दोस्तों। इस कॉन्टैक्टर रिले को आप देखिए, इस टाइप का ये लिखा हुआ आती है इसमें 1/L1, L2, L3 और बिल्कुल इसकी जो पत्ती होती है दोस्तों दोनों साइड में होती है इस तरह से, और इसके पीछे साइड में इस तरह से लिखा आती है 96, 95, 93, 94 और बिल्कुल इसके पीछे और चार पॉइंट होती है इस तरह से, और लास्ट में इसका जो है लास्ट में इसका एक मैग्नेट कॉइल होती है। ये हमारा दोस्तों मैग्नेट कॉइल है, रिले कंडक्टर रिले को जो मैग्नेट करती है दोस्तों और आपस में जो पत्तियाँ जुड़ देती है वो हमारा मैग्नेट कॉइल है। ये दोस्तों हमारा ऑफ स्विच है, इससे प्रेस करके हम पंप को ऑफ करते हैं। ये हमारा ऑन स्विच है, इसको प्रेस करके हम पंप को ऑन करते हैं। ये हमारा इंडिकेटर है, जब हम प्रेस करेंगे स्टार्टर को स्विच को तो यहाँ पर यह लाइट आएगी, इससे हमको पता चलेगी कि हमारा दोस्तों स्टार्टर ऑन हो चुकी है। ये हमारा दोस्तों वोल्ट मीटर है, यहाँ पर हम वोल्टेज शो करेंगे। ये हमारा वोल्ट मीटर का दोस्तों स्विच है, आप देख सकते हो इसको प्रेस करके हम वोल्ट मीटर को दोस्तों शो करके देख सकते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। और यहाँ पे वाला दोस्तों हमारा एम्पियर मीटर है, जब हमारा दोस्तों पंप वर्किंग में होगी तो उसमें कितना एम्पियर ले रहा है वो हम इस एम्पियर मीटर में देख सकते हैं। इधर पर आप देख सकते हो ऊपर में हमारा रनिंग कैपेसिटर है दोस्तों, यहाँ पर 36 MFD का कैपेसिटर है, अलग अलग पंप पर अलग अलग हो सकती है। ये दोस्तों हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है, स्टार्ट कैपेसिटर हमारा दोस्तों 100 से लेकर 120 MFD का है। आपको यहाँ पे और एक चीज़ कह देता हूँ, देखिए रनिंग कैपेसिटर में आपको थोड़ा सा एक ही मान लिखाई होगी, इससे आप पहचानेंगे कि रनिंग कैपेसिटर ये वाला है। और जिसमें दो टाइप का मान लिखा हुआ होती है दोस्तों वो हमारा स्टार्ट कैपेसिटर होती है, इस तरह से आप पहचान सकोगे कौन स्टार्ट कैपेसिटर है और कौन रनिंग कैपेसिटर है। ये हमारा दोस्तों कनेक्टिंग बॉक्स है, इसको आप कनेक्टर भी कह सकते हो, यहाँ से हमारा मेन सप्लाई आती है और आउटपुट भी निकल जाती है। आइए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा फेज सप्लाई है वहाँ से हम इसका कनेक्शन शुरू करेंगे। देखिए ये पी मतलब होती है दोस्तों हमारे यहाँ पे फेज, और ये हमारा न्यूट्रल है, तो इस फेज सप्लाई से हम शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ से कनेक्शन हम लेते हैं सबसे पहले। अब ये फेज जो सप्लाई है दोस्तों, इस फेज सप्लाई को हम सीधा जो है एम्पियर मीटर पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों एम्पियर मीटर पे लगा दिया। अगर आपके स्टार्टर में कोई MCB का दोस्तों पॉइंट होती है तो आप इसके बीच में दोस्तों MCB लगा सकते हो, इसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे MCB नहीं है तो मैंने MCB का पॉइंट यहाँ पर नहीं निकाला है। चलिए अब यहाँ पर एम्पियर मीटर पर लग गया है, भाई एम्पियर मीटर है दोस्तों, हम एक कनेक्शन वोल्ट मीटर स्विच पे देते हैं। ये मैंने वोल्ट मीटर का स्विच पे दे दिया है, अब यहाँ से एक फेज हम वोल्ट मीटर पे देते हैं। तो इधर से एक कनेक्शन हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर पे दे दिया है स्विच के माध्यम से, यहाँ से स्विच प्रेस करेंगे तभी जाके यहाँ पे वोल्टेज शो होगी।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने फेज सप्लाई इस एम्पीयर मीटर पे दे दिया। अब इस एम्पीयर मीटर का दोस्तों ये हमारा आउटपुट पॉइंट है। अब इस आउटपुट पॉइंट से एक हम वायर लेंगे और उसको सीधा दोस्तों हम लेके चला जाएंगे हमारा कंडक्टर रिले पे। इसको दोस्तों हम इस वायर को इधर पे जो कॉन्ट्रेक्टर रिले है दोस्तों इसकी L3 में लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे L3 में मैंने इसका एक सप्लाई दे दिया है, फेज सप्लाई जो हमारा दोस्तों एम्पीयर मीटर से निकल पे आती है। अब दोस्तों इस जगह से एक वायर लेके हम इधर पे जो 94 लिखा हुआ आया है इस पॉइंट के साथ एक कनेक्शन जोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे और एक वायर लेके हम सीधा रानी कैपेसिटर के साथ जोड़ देंगे। तो देखिए L3 पॉइंट से हमने एक वायर इधर पे रानी कैपेसिटर के साथ लगा दिया है। अब दोस्तों हम यहाँ पे जो है न्यूट्रल सप्लाई देंगे सभी पॉइंट पे जहाँ पे इसका न्यूट्रल सप्लाई लगेगी। तो इधर से हम न्यूट्रल सप्लाई ले लेते हैं। इधर से जो न्यूट्रल सप्लाई निकलेगी इसको हम सीधा इधर से लेके ये जो आप देख रहे हो L1 पॉइंट पे कनेक्शन कर देंगे। तो देखिए दोस्तों इधर पे इसका कनेक्शन हो गया न्यूट्रल का। अब इस न्यूट्रल सप्लाई से दोस्तों एक और वायर हम कनेक्शन करेंगे वोल्टमीटर में। तो देखिए यहाँ पे हमने वोल्टमीटर पे भी एक न्यूट्रल सप्लाई दे दिया है। अब यहाँ से एक वायर दोस्तों हम इंडिकेटर पे देंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इंडिकेटर पे एक सप्लाई दे दिया है। इधर से इंडिकेटर का एक वायर हम सीधा ऑफ स्विच के दोस्तों इस वाले पॉइंट पे लेके आएंगे। तो देखिए दोस्तों इंडिकेटर से यहाँ से एक वायर हम सीधा ऑफ स्विच में लगा दिया है। हम यहाँ से जो ऑफ स्विच है दोस्तों इधर से लेके ये जो 95 पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों इधर पे कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों मैं इधर से इसको नहीं लेके यहाँ पे ही एक कनेक्शन कर देता हूँ क्योंकि इसका वायर जो है सेम है। तो ये देखिए 95 पे यहाँ पे एक सप्लाई आ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो L1 से और एक वायर दोस्तों हमारा ये जो मैग्नेट कॉइल है इधर पे आएगी। तो ये देखिए दोस्तों एक वायर दोस्तों हम L1 से लेके इधर तक मैग्नेट कॉइल पे सप्लाई दे दिया है। अब मैग्नेट कॉइल का दूसरा पॉइंट जो है इधर पे भी एक सप्लाई चाहिए तो इसको हम जो है इधर से लेके 96 जहाँ पे लिखा है इधर पे सप्लाई दे देते हैं। और यहाँ पे देखिए मैग्नेट कॉइल के दूसरे पॉइंट पे भी सप्लाई पहुँच चुकी है। अब यहाँ पे और एक पॉइंट खाली देख सकते हैं आप 93। इस 93 पे जो एक सप्लाई हम यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्टिंग करेंगे। तो चलिए शॉर्टिंग करते हैं। ये हमने शॉर्टिंग कर दिया। हाँ भैया दोस्तों हम यहाँ पे कैपेसिटर पे और भी कुछ कनेक्शन बाकी है इस कनेक्शन को देख लेते हैं। तो ये जो देखिए दोस्तों कैपेसिटर है दोस्तों इसका दो वायर है और इसका भी दो वायर है। इस कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट नहीं होती है, आप किसी को भी कहाँ पे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी एक वायर और इसका एक वायर हम आपस में जो है कॉमन बना देंगे क्योंकि इसकी जो वायर है इसको हम कॉमन बना सकते हैं।
और देखिए दोस्तों, एक हमने रनिंग और एक स्टार्टिंग का वायर लेके यहाँ पे कॉमन बना दिया है। अब इस कॉमन वायर को हम सीधा यहाँ पे लेके जाएंगे L2 पॉइंट पे लेके जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस कॉमन को हमने यहाँ पे L2 के साथ कनेक्शन कर दिया है। यहाँ तक इसके कैपेसिटर का कनेक्शन होती है। इसके बाद स्टार्टिंग का वायर भी एक वायर बाकी है, इसको भी हमको कनेक्शन करना पड़ेगा। इसको चलिए लेके जाते हैं हम ऑन स्विच पे, इधर से लेके ऑन स्विच में। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है यहाँ, इसके साथ कनेक्शन होगी, तो इसको भी हम कनेक्शन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग कैपेसिटर का इस वाले वायर को हम यहाँ से लेके ऑन स्विच के साथ कनेक्शन कर दिया है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो ऑफ स्विच है, यहाँ से आप एक वायर लेके इस ऑन स्विच के पास लेके आएंगे। फिर इस ऑन स्विच के पास जो वायर होगी, यहाँ से एक वायर हम कनेक्शन करके सीधा इधर पर ये वाला 93 के साथ जो हमने शॉर्टिंग किया है, इसके साथ कनेक्शन कर देंगे। इधर से हम एक वायर ऑन स्विच से लेके ऑफ स्विच के साथ एक कर दिया है। अब इधर से ही एक वायर निकालना पड़ेगा हमको फिर से। और इसको हम सीधा नीचे लेके आते हैं। और इस वायर को हम दोस्तों इधर में लेके जाते हैं। अब देखिए, यहाँ से लेके हमने एक वायर इधर से लेके आया और इस पॉइंट के साथ इसको जोड़ दिया। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमारा तीनों पॉइंट खाली है, इसका भी कनेक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले जो बी देखते हैं आप, ब्लू, जो हमारा मोटर की तीन वायर का सप्लाई होती है, ब्लू, येलो, रेड। हमारा ब्लू होती है कॉमन, येलो होती है स्टार्टिंग, और आर होती है रनिंग कॉइल का लीड। अब इसका हम कनेक्शन कर देते हैं। सबसे पहले ब्लू वायर को हम कनेक्शन करेंगे। और देखिए, बी वाला जो पॉइंट है ब्लू वायर, उसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब दोस्तों हम इस येलो वायर को यहाँ से लेके इसके सेकेंड पॉइंट पे लगाएंगे। तो इधर से भी इसका कनेक्शन निकाल लेते हैं। और ये देखिए, इधर से लिखा है हमने एक वायर यहाँ तक इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पे रह जाती है आर यानी रेड वाला वायर। अब यहाँ से लेके एक वायर हम इस थिनर पॉइंट पे लेके आएंगे। और देखिए, इसको मैंने जोड़ दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा दोस्तों कनेक्शन बिल्कुल कॉम्प्लीट हो चुकी है। और ये दोस्तों जो सर्किट है, डायग्राम है, वो बिल्कुल ही टेस्ट किया गया है, टेस्ट ओके बिल्कुल है। और इस तरह से दोस्तों आप ये जो इस टाइप का दोस्तों रिले आती है, कंडक्टर रिले, उसका कनेक्शन आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। ऐसा करता हूँ दोस्तों, आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगी। मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको इसको समझाया है। और फिर भी आपके पास कोई डाउट हो, कोई आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए, मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूँगा। और दोस्तों, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, वीडियो को जरूर लाइक करना मत भूलिए। वीडियो को दोस्तों आप बिल्कुल दबा के लाइक कर देना, ताकि हमको भी अच्छा लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो मालूम चलेगी। तो इस डायग्राम का आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं आपको एक अच्छा सा पिक्चर इसका खींच कर देता हूँ, आप इसको सेव कर लीजिए। और आपको ये बहुत ही काम आएगी अगर आपके पास इस तरह का स्टेटर आती है और आपका जो कनेक्शन है वो भूल जाती है, तो इस डायग्राम को देख के आप उसको कनेक्शन आसानी से कर पाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।